अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। मतलब आज के टॉपिक में हम लोग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि क्वेश्चंस की कंडीशन को हम समझ सकें। और ये आपकी बुक D3 की एक्सरसाइज 6D है। और आज की वीडियो के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हम रैप अप कर देंगे, ठीक है? तो अब ज़रा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ एक्स माइनस सेवन। और क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस सिक्स। मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशन की मदद से मैंने एक और लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर वन में पैरेलल है और क्वेश्चन नंबर टू में परपेंडिकुलर है। अब इस चीज़ को समझने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स तुम्हें देखनी पड़ेंगी। इन क्वेश्चन वन वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द अदर लाइन। अब आपके पास एक लाइन की इक्वेशन मौजूद है, दैट इज़ वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ एक्स माइनस सेवन। एक दूसरी लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, आपने उस लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना है, ठीक है? अब हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, वी हैव एन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन दैट इज वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ एक्स माइनस सेवन। We know that if you have an equation in which y is subject, then the coefficient of x will be the gradient of your line, that is minus half. मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को y equals to की फॉर्म में ले आते हो, तो x का जो भी कोफिशेंट होगा along with its sign, उसके साइन के साथ, वो उस पूरी की पूरी इक्वेशन का ग्रेडियंट बन जाएगा। अब जब तुम इक्वेशन वन को देखते हो, वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ एक्स माइनस सेवन, इसमें तुम्हें एक्स के साथ जो कोफिशियंट नज़र आ रहा है, दैट इज़ माइनस हाफ। इसका मतलब इस इक्वेशन का ग्रेडियंट माइनस हाफ के बराबर है। और तुम्हें यह भी पता है कि जब दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उनका ग्रेडियंट बराबर होता है, ये बात भी पता है ना? तो जनाब इसका मतलब क्या हुआ, सो द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन विल बी माइनस हाफ। मतलब जो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, तो उनके ग्रेडियंट या स्लोप बराबर होंगे। और ग्रेडियंट कैसे मालूम करोगे, इक्वेशन को वाई इक्वल्स टू की फॉर्म में ले आओ, तो एक्स का जो भी कोफिशेंट होगा उसके साइन के साथ, वो उस पूरी की पूरी इक्वेशन का ग्रेडियंट या स्लोप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में हमने एक ऐसी लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना है जो कि इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस सिक्स के परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस सिक्स। और मुझे पता है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को y इक्वल्स टू की फॉर्म में ले आते हो, तो x के साथ जो भी लिखा हुआ होगा, x का जो भी कोफिशेंट होगा, वो आपके पास ग्रेडियंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x के साथ लिखा हुआ है माइनस थ्री अपॉन फोर, एक्स का कोफिशेंट है माइनस थ्री अपॉन फोर, तो इस लाइन का ग्रेडियंट हो गया माइनस थ्री अपॉन फोर के बराबर। और हमें यह बात भी पता है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं दोनों के ग्रेडियंट या दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करा दूं, तो आंसर हमेशा माइनस वन के बराबर होगा। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जरा गौर से देखो। तुम्हारे पास दो लाइंस मौजूद हैं, वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस सिक्स का ग्रेडियंट माइनस थ्री अपॉन फोर के बराबर है। इसको मैं एम वन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन का ग्रेडियंट तुमने मालूम करना है जो कि परपेंडिकुलर है, इसको मैं एम टू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होना चाहिए। तो एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू इक्वल्स टू माइनस वन। तो मैंने एम वन की जगह रख दिया माइनस थ्री अपॉन फोर, जो कि मेरे पास गिवन इक्वेशन का ग्रेडियंट है। एम टू मैंने मालूम करना, उसको एज इट इज़ रहने दिया, माइनस वन के बराबर होते हैं दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है? ये माइनस थ्री अपॉन फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। या आप अपनी आसानी के लिए इस तरीके से लिख लीजिए कि फोर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्री यहाँ न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस। सो एम टू इक्वल्स टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर अपॉन थ्री, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा। तो एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर अपॉन थ्री, ठीक है जनाब? तो इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो पहली का जो स्लोप है वो दूसरी के स्लोप के नेगेटिव इन्वर्स के बराबर होगा। अब देखो वहाँ वैल्यू क्या थी, माइनस थ्री अपॉन फोर। नेगेटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो माइनस थ्री अपॉन फोर का नेगेटिव इन्वर्स बराबर हो जाएगा पॉजिटिव फोर अपॉन थ्री के। सो इस तरीके से आपने समझना है। तो की पॉइंट क्या है, पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट स्लोप बराबर होंगे, परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट स्लोप नेगेटिव इनवर्स के बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं, सो द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन विल बी फोर अपॉन थ्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखो. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट आर ए 1, 1, बी -1, 4 एंड सी 6, k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपने k की वैल्यू मालूम करनी है इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो k की वैल्यू निकालें. तो उसके लिए सबसे आसान हल ये है कि सबसे पहले मैं a और b का ग्रेडियंट मालूम करूं, फिर b और c का ग्रेडियंट मालूम करूं. तो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ बोथ लाइन दैट इज ए बी एंड बी सी. तो हमने ए बी और बी सी का स्लोप मालूम करना है. सो वी विल स्टार्ट विद द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी. हमने सबसे पहले ए बी का ग्रेडियंट मालूम किया. ए बी का ग्रेडियंट कैसे मालूम करोगे? एम ए बी मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो जनाब इसको आप किस तरीके से लेकर चलोगे? वाई टू माइनस वाई वन मतलब 4 - 1, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब -1 - 1. तो 4 - 1 बराबर हो गया 3k, -1 - 1 बराबर हो गया -2k, और ओवरऑल वैल्यू -3/2 के बराबर हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस था. तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है. तो एम ए बी बराबर हो गया -3/2 के बराबर. ठीक है, अब इसी तरीके से मैं लाइन बी सी का भी ग्रेडियंट मालूम करता हूँ. तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? एम बी सी इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो जनाब एम बी सी की वैल्यूज़ क्या हैं? सी के वाई की वैल्यू मतलब वाई टू की वैल्यू के बराबर. तो के -4/6 -(-1) मतलब y2 - y1 / x2 - x1. ग्रेडियंट मालूम करना आपको आता है. सिचुएशन क्या बन गई? k -4/6+1 क्योंकि -(-) हो गया. तो ओवरऑल मेरे पास सिचुएशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गई? k -4/7. तो एम ए बी और एम बी सी इन दोनों का स्लोप मेरे पास आ चुका है. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होगा. यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी 2 मिनट पहले भी हमने पढ़ा है. तो अगर मैं एम ए बी और एम बी सी के स्लोप या ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इनका आंसर -1 के बराबर आना चाहिए. तो हम मैथमेटिकली इसी सिचुएशन को लेकर चलेंगे. तो हम क्या करेंगे? एम ए बी मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए बी और ग्रेडियंट ऑफ बी सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इनका आंसर -1 के बराबर आना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. ए बी की वैल्यू है -3/2 के बराबर. बी सी की वैल्यू है k -4/7 के बराबर. सिंप्लीफाई कीजिए, सिचुएशन क्या बन जाएगी आपके पास? -3 k -4/14 = -1. ये 14 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिचुएशन क्या बन जाएगी? -3 k -4 = -1 × 14 या -3 × k -4 = -14. ठीक है, अब ये -3 इस पूरे k-4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा -3. तो ये -3 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा. सिचुएशन क्या बन जाएगी? k-4 = -14/-3. तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल. तो k-4 बराबर हो गया 14/3 के. -4 वहाँ जाकर +4 हो जाएगा क्योंकि मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है. तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? k = 14/3 - 4. LCM ले लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो और आसानी हो जाएगी. तो 14/3 - 4 बराबर हो जाएगा 26/3 के. इसका मतलब अगर ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू मेरे पास 26/3 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, सिचुएशन क्या समझनी है? अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों के ग्रेडियंट मालूम कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर -1 के बराबर आएगा या आना चाहिए. सॉल्व कीजिए, आपके पास किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7. शो दैट पी -1, 3 क्यू 6, 8 एंड आर 11, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. डिटरमाइन वेदर ट्राइंगल पी वेदर एंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल शोइंग योर वर्किंग प्रॉपर्ली. तो जनाब स्टार्ट करते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब हमें पता है कि इसकी दो साइड्स बराबर होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ये मालूम करना है कि एंगल पी क्यू आर राइट एंगल है या नहीं. और राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल पी क्यू आर मतलब क्यू पे जो एंगल बन रहा हो वो लाजमी तौर पर 90 डिग्री का बन रहा हो. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे आसान हल ये है, पी क्यू आर में क्यू बीच में आ रहा है तो आप पी क्यू का ग्रेडियंट मालूम करो और क्यू आर का ग्रेडियंट मालूम करो. बेटा इस बात को जहन में बिठा लो, अगर तुमसे कहा जाए कि एंगल पी क्यू आर राइट एंगल है या नहीं है तो आप क्या करोगे? बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? क्यू आ रही है. तो आप पी और क्यू का ग्रेडियंट निकालो, क्यू और आर का ग्रेडियंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर -1 के बराबर होना चाहिए एज वी हैव डन प्रीवियस. ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है. खैर सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं.
The reason behind this, Q is the common angle between these lines. So you need to find the gradient of these lines. But before this, we need to verify that these are the vertices of an isosceles triangle. So we'll find the length of these sides. सबसे पहले start करते हैं P और Q के दरमियान length. P और Q के दरमियान length आ रही है मेरे पास under root 73 के बराबर. फिर हमने P और R की length मालूम की. P और R की length मेरे पास बराबर आ रही है under root 148 के बराबर. And finally हमने जब Q R की length मालूम की तो उसकी length बराबर हो गई under root 73 के. इसका मतलब PQ और QR ये दोनों बराबर हैं. और अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हो जाएं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. तो हमने इसका पार्ट वन सॉल्व कर लिया कि जनाब कि ये जो मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स तीन वर्टिसेस मौजूद हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं. अब अगला काम कि क्या पी क्यू आर राइट एंगल है या नहीं है. स्टार्ट करते हैं. तो जनाब पी क्यू और क्यू आर तो बराबर हो गए. आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो कंडीशन थी हमने उसको मीट भी कर लिया. अब हम क्या करेंगे पी क्यू और क्यू आर के ग्रेडियंट मालूम करेंगे. तो सबसे पहले हमने पी क्यू का ग्रेडियंट मालूम किया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब एट माइनस थ्री अपॉन सिक्स माइनस इन टू माइनस वन. तो एट माइनस थ्री फाइव के बराबर सिक्स प्लस वन सेवन के बराबर. तो पी क्यू का ग्रेडियंट कितना आ गया फाइव अपॉन सेवन. सिमिलरली आपने क्यू आर का ग्रेडियंट मालूम किया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब एट माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस इलेवन सेवन अपॉन माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस सेवन अपॉन फाइव. दोनों ग्रेडियंट आ गए आपके पास. मैंने दो सिचुएशन बताई थी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ आंसर माइनस वन के बराबर आना चाहिए या एक का ग्रेडियंट दूसरे के नेगेटिव इनवर्स के बराबर होना चाहिए. तो क्या ये सिचुएशन यहाँ मीट हो रही है. नाउ इफ देयर प्रोडक्ट्स गिव यू माइनस वन देन इट कन्फर्म्स दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन अदर वर्ड्स दे आर राइट एंगल टू ईच अदर. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो जनाब स्टार्ट कर दीजिए. फाइव अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन अपॉन फाइव. फाइव से फाइव कैंसिल सेवन से सेवन कैंसिल माइनस विल रिमेन इंटैक्ट. तो जनाब जब मैंने इन दोनों ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस वन के बराबर. एंड इट कन्फर्म्स के जनाब ट्राइंग एंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल. ठीक है जनाब आगे की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन. अ पॉइंट पी दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर एंड एस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. आपने सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट मालूम करने. अच्छा बेटा इस सवाल में एक बात जहन में रखना. पॉइंट पी है ये इक्वी डिस्टेंट है आर और एस के. आर का मतलब माइनस टू कॉमा फोर एस का मतलब सिक्स माइनस फोर. ठीक है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के ट्वाइस के बराबर है. ठीक है अब इसको करोगे किस तरीके से. इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी. हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मालूम करने. इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के मुकाबले में ट्वाइस के बराबर है. मतलब अगर वाई कोऑर्डिनेट वन के बराबर तो एक्स कोऑर्डिनेट टू के बराबर. वाई कोऑर्डिनेट टू के बराबर तो एक्स कोऑर्डिनेट फोर के बराबर. इस सिचुएशन को इस वर्ड को समझ लेना. इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट. तो अगर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, ट्वाइस के बराबर. तो अभी तो मेरे लिए ये अननोन है. तो मैंने y की वैल्यू को a कंसिडर किया और क्योंकि x इसके ट्वाइस ऑफ y के बराबर है तो आपको x की वैल्यू 2a के बराबर लेनी पड़ेगी. खैर आप कोई सा भी वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है अब आगे बढ़ते हैं. दूसरी बात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनाब पी आर इक्वल्स टू पी एस. क्योंकि पॉइंट पी R और S दोनों के इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस P से R के बराबर होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस P से S के बराबर होना चाहिए. तो हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं. तो सबसे पहले आप PR के दरमियान डिस्टेंस मालूम करोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विल गिव यू दिस सिचुएशन. सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जनाब. PR की वैल्यू PR इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस टू माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस ए का होल स्क्वायर. पी एस की वैल्यू अंडर रूट सिक्स माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस ए का होल स्क्वायर. और क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों बराबर है तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे. तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सिचुएशन क्या आ जाएगी. पी आर इक्वल्स टू पी एस. पी आर की वैल्यू है अंडर रूट माइनस टू माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस फोर माइनस ए का स्क्वायर. पी एस की वैल्यू क्या है सिक्स माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस फोर माइनस ए का होल स्क्वायर. अब क्योंकि मैं इस सवाल को फर्दर सॉल्व उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसके रेडिकल ना ख़त्म कर दूं. रेडिकल का मतलब स्क्वायर रूट ना ख़त्म कर दूं. तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करवानी पड़ेगी जो कि मैंने करवा दी है. तो जनाब सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी आ गई. स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया.
एक बात और जो यहाँ समझने की है, जो कि कुछ अरसे पहले भी मैंने समझाई थी, अगर आपके पास माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ आ जाए, जैसे यहाँ माइनस टू ए का होल स्क्वायर है, तो ये सॉल्व होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद से, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन होकर बाहर चला जाएगा और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव के बराबर होता है, तो ये माइनस टू ए बराबर हो जाएगा टू प्लस टू ए के बराबर। ठीक है, इसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक वीडियो भी देखनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त आपके साइड में एज अ सजेस्टेड वीडियो आ रही है, तो इसको जरा गौर से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई, 2 प्लस टू ए का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे सिचुएशन को, इक्वेशन को खोल लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस टू ए का होल स्क्वायर भी आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, 4 माइनस ए का होल स्क्वायर भी आपने ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया, 6 माइनस टू ए का होल स्क्वायर भी आपने ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोल दिया, और 4 प्लस ए का होल स्क्वायर भी आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोल दिया। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 2a होल स्क्वायर 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू के दोनों तरफ मौजूद है, पॉजिटिव 2a स्क्वायर पॉजिटिव 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिमिलरली पॉजिटिव 4 स्क्वायर पॉजिटिव 4 स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं इस पॉजिटिव 4 स्क्वायर को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाऊँ, ये जो आपके पास पॉजिटिव 4 स्क्वायर मौजूद है, अगर ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव 4 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो बात तो बराबर है, कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ तक सिचुएशन समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके पास सिचुएशन क्या आ गई, देखो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, ये रहा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, 2 इंटू 2 इंटू 2a मतलब 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8a पॉजिटिव 8a आपके पास आ गया, 2 इंटू 4 इंटू a मतलब माइनस 8a आपके पास आ गया, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर, 2 इंटू 6 12 12 इंटू 2 24 मतलब माइनस 24a आपके पास आ गया। इसी तरीके से पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 8a आपके पास आ गया। ठीक है जनाब, अब इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हैं ज़रा देखते हैं। देखो कंडीशन क्या बन गई तुम्हारे पास, ये 8a और ये माइनस 8a, ये हो गया कैंसिल, 4 एज इट इज़ मौजूद है, 36 यहाँ पॉजिटिव था यहाँ आकर माइनस 36 के बराबर हो गया, माइनस 24 प्लस 8a बराबर हो गया माइनस 16a के। ठीक है, आगे बढ़िए, सिचुएशन क्या बन गई, माइनस 32 इक्वल्स टू माइनस 16 है, क्योंकि आपको a की वैल्यू मालूम करनी है, a के साथ माइनस 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, a इक्वल्स टू 32 अपॉन 16 इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर। अब ज़रा ऊपर गौर से देखो, तुम्हारे पास सिचुएशन क्या थी, 2a, a मतलब तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ चुकी है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं आई है, x के कोऑर्डिनेट इसके ट्वाइस के बराबर होगा, तो 2 2 4 के बराबर हो गया, तो सिचुएशन क्या बन गई आपके पास कि जनाब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इज 4, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे ही इसका पार्ट b देखो, पार्ट बी क्या कह रहे हैं, हेंस डिटरमाइन वेदर पी आर एस आर कोलिनियर शो योर वर्किंग प्रॉपर्ली। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हो, मतलब अगर मैं पी आर और एस इन तीनों को कनेक्ट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो जरा देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। नाउ वी नीड टू चेक वेदर द पॉइंट पी आर एंड एस, इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ पी आर एंड आर एस आर सेम देन इट मीन्स दे आर कोलिनियर, मतलब अगर परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं दोनों का ग्रेडियंट लोगे, अगर नेगेटिव इन्वर्स के बराबर है या दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर है तो वो परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पर पी आर और आर एस इन दोनों के ग्रेडियंट बराबर है तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि एक लाइन का स्लोप हर जगह पर सेम रहता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तुमने सबसे पहले पी आर के दरमियान ग्रेडियंट निकालना है, फिर आर एस के दरमियान ग्रेडियंट निकालना है, फिर इन दोनों को चेक करना है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब आपके पास जो ये तीनों पॉइंट्स हैं पी आर एस ये कोलिनियर है, वरना ये कोलिनियर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने आर और एस के दरमियान ग्रेडियंट मालूम कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस वन के बराबर। ठीक है, सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली मैंने आर पी के दरमियान ग्रेडियंट मालूम कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन थ्री के बराबर। अब तुम देख रहे हो कि आर एस और आर पी इन दोनों का ग्रेडियंट सेम नहीं है, जब इन दोनों का ग्रेडियंट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब पी आर और एस कोलिनियर नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो जनाब
दो कॉन्सेप्ट हमने अब तक सीख लिए। अगर दो लाइन के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर तो वो परपेंडिकुलर, दो लाइन का ग्रेडियंट सेम तो या तो वो दोनों पैरेलल हैं या वो दोनों कोलिनियर हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर ए 1.2, बी 6.7 एंड सी 7.2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। आपके पास एक ट्राइंगल के वर्टिसेस मौजूद हैं, ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और आपने क्या मालूम करना है, ए बी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसकी इक्वेशन और बी सी से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसकी इक्वेशन। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन। Perpendicular bisector means a perpendicular line which cuts other line exactly from halfway and makes an angle of 90 degree. It means that perpendicular bisector must passes through the midpoints of the line. अब उसने क्या कहा है कि आपने इक्वेशन मालूम करनी है किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो कि ए बी से पास हो रहा हो। इसका मतलब ये ए बी से एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर पास हो रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ए बी के ऊपर, तो इसका मतलब अगर मैं ए बी का स्लोप मालूम कर लूँ तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप इसके नेगेटिव इनवर्स के बराबर होना चाहिए। ये बात याद आ रही है, और यही काम हम बी सी के साथ भी करेंगे। अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले हम ए बी के मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, तो जनाब ए बी के मिड पॉइंट बराबर हो जाएंगे एक्स ए बी इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। मतलब ए बी के, ए के भी एक्स कोऑर्डिनेट बी के भी एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, टू से डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आ रहा है 3.5। सिमिलरली वाई ए बी बराबर हो जाएगा 2 + 7/2 मतलब 9/2 मतलब 4.5। मतलब आपके पास ये तो पता चल गया कि जिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपने इक्वेशन मालूम करनी है वो ए बी के इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, इट विल हेल्प यू टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। ये आपको किस वक्त काम आएगा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के वक्त में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। क्यों भाई, ए बी का ग्रेडियंट जो भी होगा वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नेगेटिव इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जनाब अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस मौजूद हैं तो एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव इनवर्स के बराबर होगा या उन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले ए और बी का ग्रेडियंट मालूम कर लेते हैं। तो ए और बी का ग्रेडियंट कितना आ रहा है, 1। तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/1। तो -1/1 -1 के बराबर ही होता है। इसका मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ए बी को कट कर रहा है उसका स्लोप -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या बन चुकी है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में आपने m की जगह -1 पुट कर दिया, तो सिचुएशन बन गई y इक्वल्स टू -x प्लस सी। अब आपने c की वैल्यू मालूम करनी है, बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, 3.5, 4.5 पे। तो x की जगह 3.5 पुट कर दीजिए, y की जगह 4.5 पुट कर दीजिए, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब हमने यहाँ पर यही काम किया, 4.5 इक्वल्स टू -3.5 प्लस c, -3.5 वहाँ जाकर +3.5 के बराबर हो गया, मतलब 4.5 प्लस 3.5 इक्वल्स टू 8, तो c की वैल्यू 8 के बराबर हो गई और सिचुएशन मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, y इक्वल्स टू -x प्लस 8। तो ये जनाब किस चीज़ की इक्वेशन थी, ये उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन थी जो ए बी को कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनको जरा शुरू से डिस्कस करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो किसी भी दूसरी लाइन को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कट करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो अब किस पॉइंट पे कट करेगी, ये आप मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मालूम कर सकते हो, जैसे हमने सबसे पहले मालूम किया। उसके बाद ए बी का आपने ग्रेडियंट मालूम किया और ए बी का ग्रेडियंट उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाजमी तौर पर नेगेटिव इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो ए बी का ग्रेडियंट 1 आया, उसका ग्रेडियंट -1/1 के बराबर हो जाएगा, जिसको आप -1 भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लाजमी तौर पर जो मिड पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं उनको इक्वेशन में पुट कीजिए, सी की वैल्यू निकालिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब आपने
BC से पास होने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो सारा का सारा काम वैसे ही होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो BC को एग्जैक्टली हाफ वे पर कट करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो जनाब सबसे पहले आप B और C के, मतलब लाइन BC के मिड पॉइंट मालूम कर लीजिए। उसका तरीका आपको पता है कि जनाब B और C के दोनों x को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 7 + 6/2 = 13/2, मतलब 6.5। YBC मतलब BC का मिड पॉइंट कैसे मालूम करोगे, B और C के दोनों Y को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मतलब 2 + 7/2 = 9/2 = 4.5। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद हो गए, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास होगा और ये आपको हेल्प आउट करेगा Y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए। अब ज़रा B और C का ग्रेडियंट मालूम कर लेते हैं। तो B और C का ग्रेडियंट बराबर हो जाएगा जनाब किसके, -5 के। अब यहाँ गौर से देखो, B और C का ग्रेडियंट -5 के बराबर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर B और C के बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रही है, तो इसका मतलब उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप इस -5 के नेगेटिव इन्वर्स के बराबर होना चाहिए। तो नेगेटिव का नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव के बराबर, ठीक है, और इन्वर्स का मतलब ये 5 है तो वो 1/5 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो 1/5 के बराबर हो जाएगा। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक और तरीका भी है, m1 × m2 = -1। m1 की वैल्यू -5 के बराबर है, m2 की वैल्यू आप उस फॉर्मूले में पुट करके मालूम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ मैंने यही सिखाई थी, ठीक है, तो इस बात को जहन में रखना, तुम्हारे पास दोनों तरीके हैं, तुम दोनों तरीके कर सकते हो। तो जनाब आपके पास जनरल इक्वेशन क्या बन चुकी है, y = 1/5x + c। अब आप y और x जो आपने मिड पॉइंट मालूम किए थे उनको यहाँ पर पुट करवाइए और c की वैल्यू मालूम कर लीजिए। तो जनाब सिचुएशन क्या बन जाएगी, 4.5 = 1/5 × 6.5 + c। सिचुएशन आपके पास क्या आ गई, c = 4.5, 1/5 × 6.5 = 1.3 के बराबर होता है। ये 1.3 यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, सो 4.5 - 1.3 = 3.2। तो आपके पास C की वैल्यू 3.2 के बराबर हो गई। फाइनली आप इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, y = 1/5 × x + 3/2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू BC, ठीक है। सो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे देना था, आगे प्रोसीड करते हैं। अब ऐसे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर ABCD। आपके पास एक कोऑर्डिनेट, एक स्क्वायर के चारों वर्टिसेस मौजूद हैं और आपने सबसे पहले A और C के दरमियान ग्रेडियंट मालूम करना है, ठीक है। तो पार्ट वन में हमने A और C के दरमियान ग्रेडियंट मालूम करना है, तो हमने A और C को कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करके दिखाना जरूरी नहीं है, आपने इन दोनों के दरमियान ग्रेडियंट मालूम किया, y2 - y1 / x2 - x1, मतलब 8 - 0 / -2 - 4 = 8 - 6 या -4/3। तो आपने पार्ट वन सॉल्व कर लिया है, आपने ए और सी के दरमियान ग्रेडियंट मालूम कर लिया, दैट इज -4/3। पार्ट टू में तुमने क्या करना है, पार्ट टू में तुमने पहले तो ये चेक करना है कि क्या ए बी और बी सी बराबर हैं, और अगर हैं तो क्यों बराबर है, ठीक है। पहले ये मालूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये मालूम करेंगे कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री के बराबर है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो जनाब सबसे पहले हम AB और BC के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो जनाब AB मतलब x2 - x1 / y2 - y1 / तो जनाब -3 - 4 / 1 - 0 = 7 + 1 = 1 और AB की वैल्यू आ गई मेरे पास √50 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, BC की लेंथ मालूम करते हैं और BC की लेंथ भी मेरे पास √50 के बराबर हो गई, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, Hence, it is confirmed that AB is equal to BC, ठीक है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं और स्क्वायर की चारों साइड्स का बराबर होना ज़रूरी है। तो एक्सप्लेन why AB = BC का आंसर तो आपको यहाँ तक मिल गया कि हाँ जी ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसकी लेंथ बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेयर करना है AB और BC के ग्रेडियंट को, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि ABC = 90 डिग्री, और मैंने कहा था कि अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आप मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट ABC में B है, तो A और B का ग्रेडियंट निकालो, B और C का ग्रेडियंट निकालो, दोनों को कंपेयर कर, ठीक है। तो AB और BC का ग्रेडियंट मालूम करते हैं, MAB बराबर हो गया -1/7, MBC बराबर हो गया 7। अब देखो ये एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स के बराबर है, -1/7 का नेगेटिव इनवर्स 7 के बराबर, 7 का नेगेटिव इनवर्स -1/7 के बराबर। नेगेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, मेरे पास वैल्यू 7 है
तो नेगेटिव का मतलब माइनस, इनवर्स का मतलब 1/7। तो देखो अगर BC की वैल्यू 7 के बराबर है तो AB की वैल्यू -1/7 के बराबर होनी चाहिए, और ऐसा ही है। इसका मतलब ये लाजमी तौर पर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको एक और तरीके से भी चेक कर सकते हो कि -1/7 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, अगर इन दोनों का आंसर -1 के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई परेशानी? आगे बढ़ो। क्वेश्चन अच्छा पार्ट 3, Hence or otherwise calculate the area of the square। अब आपने area of the square मालूम करना है, और हमें बताया कि जनाब area of the square को find out करने का तरीका क्या होता है। आप किसी भी एक side का square ले लो, area का किसी भी एक side का अगर आप square ले लो, आपके पास जो shape square मौजूद है तो उसका area के बराबर हो जाता है। तो मतलब मैं area के formula को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि area of square equals to AB का square, मतलब किसी भी एक side का मैंने square ले लिया। आपके पास चार sides हैं, AB, फिर BC, फिर CD और फिर AD। तो मैंने AB की लेंथ को उठाया, उसका स्क्वायर ले लिया, AB की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट 50 के बराबर थी, मैंने अंडर रूट 50 का स्क्वायर लिया तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर 50 यूनिट स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इस जगह पर मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम कर लिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया की चार साइड में से किसी भी एक साइड को स्क्वायर कर दीजिए, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 50 यूनिट स्क्वायर के बराबर आ गई है। तो आई बिलीव के एक्सरसाइज 6D के अंदर आप लोगों ने बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की टेक्निक को अब समझ लिया होगा, और अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा, एक्सरसाइज 6D को बर्दाश्त किया, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चंस जो मैंने नहीं करवाया, होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर छोड़ दिए हैं, आप उनको भी लाजमी तौर पर सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आई बिलीव कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें प्रॉब्लम करे। हाँ, अलबत्ता अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री मिलकर आ जाएंगे तो अभी तुम्हारे लिए शायद थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन अगले आने वाले कुछ दिनों में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो क्वारंटाइन पीरियड है इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई बिलीव कि आप इस सजेशन, इस रिकमेंडेशन, इस या इस एडवाइस पर अमल ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।